ये एक मोटर ऑर्डर किए हैं जो हेवल्स का है, सेल्फ प्राइमिंग मोनोब्लॉक पंप है, और ये बिना बिना पानी भरे हुए सेक्शन से पाइप पानी टान लेगा, चाहे कुएं हो या कहीं पर भी रख दो। ये 8 मीटर तक पानी को नीचे से टान सकता है, एयर को हटा सकता है 8 मीटर तक। और ये हाई फ्लो MP1 मॉडल नंबर है, और CED कोटेड हाइड्रोलिक पार्ट्स लगा हुआ है। 99.9 प्योर कॉपर वायर है, और इसमें फीचर्स वगैरह देख लीजिए तो मोटर विथ क्लास F इंसुलेशन फॉर लार्जर लाइफ, बहुत दिन चलने वाला ये मोटर है। इसका कॉपर वाइंडिंग बहुत अच्छा किया हुआ है, और ये मोटर बहुत जलने में 130-140 डिग्री सी तापमान आएगा तो उसके बाद जलने के इसमें चांस आता है, लेकिन इसे जलेगा नहीं। एनर्जी एफिशिएंट मोटर है जिससे बिजली कम लगेगा। फिटेड विथ टॉप एंड हाई क्वालिटी मैकेनिकल सील बहुत अच्छा किया हुआ है इसमें, हाई क्लास का सील का हुआ है। और इसमें डिजाइन फॉर विथ वाइड वोल्टेज कनेक्शन कोटेड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट CED कोटेड है, बहुत बढ़िया ऐसा पार्ट्स लगे हुए हैं। IP54 मतलब पानी से भी बच ये बाहर में रखो या अंदर रखो दोनों जगह काम करेगा। थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, थर्मल और ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है, इनबिल्ट फीचर है। होम सर्विस एक साल तक होम सर्विस दिएगा। आए ये मैंने इस मोटर को 5,200 रुपये में फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, और ये 1 HP का है, 1 HP जो 750 वाट बिजली खाएगा, 1 HP 220 वोल्ट में काम करेगा, 180 वोल्ट भी इसको मिल जाएगा तो भी ये काम करेगा। और एक सिंगल फेस का है, मैक्सिमम हेड 40 मीटर तक पानी ऊपर भेज सकता है, और मैक्सिमम फ्लो इसका 3000 लीटर प्रति आवर है। ड्यूटी S1 मालूम नहीं किसको कहते हैं। साइज 2.5 सेंटीमीटर ऐसे कुछ लगा हुआ है, और इधर में सेम वही सब लिखा हुआ है जो उधर में पढ़े हैं हम लोग हैं। और ये स्मोलो ब्लॉक पंप है, सेल्फ प्राइमिंग, और कस्टमर केयर नंबर भी वगैरह लिखा हुआ है। और इसके अंदर में ये मोटर है, मोटर देखा जाए इसको मैंने खोल के रखा था, तो मोटर एक पन्नी के अंदर पे पैक है। इसके अंदर में एक ये मोटर हमें मिला है जो मेन यूनिट है, उसके बाद में ये गत्ता वगैरह है। गत्ता का क्या करेंगे, ये वारंटी कार्ड हो गया, इसको इसमें QR कोड भी दिया हुआ है जिससे जिसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सकता है। ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन है, वारंटी कार्ड वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है, उसको रखते हैं साइड में। ये सेक्शन हेड भी मिला हुआ है, इससे जाली से कचरा उचरा नहीं आएगा। गत्ता दिया था इसके नीचे में सेफ्टी के लिए, इसको भी साइड करते हैं और इसको भी खोलें। तो इसका मोटर का ये रहा लुक, जहाँ पर इसके अंदर में भी इसका मॉडल नंबर वगैरह ITA2A2.24 लिखा हुआ है इसके अंदर में, और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये लगभग 9 किलो का है, और इसका लुक बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। और सील बढ़िया किया हुआ है ये, और ये ओके टेस्टेड माल है। इसके ऊपर में हेवल्स की ब्रांडिंग दी हुई है, हेवल्स की ब्रांडिंग दी हुई, हाँ हेवल्स की, उल्टा दिखा रहा मैं। ये मेरे घर में पानी की बहुत दिक्कत है, इसीलिए कुआं से पानी डालने के लिए लगा, कुआं 25 फुट नीचे है, इसका भी पावर उतना ही है, 25 फुट नीचे से पानी डाल सकता है, जो मेरे लिए बहुत बढ़िया टूल पम्प हो गया। घर में मेरे घर में 3 टूल पम्प हो गए हैं, इसको लेके टूल पम्प बोले तो वाटर पम्प, 2 क्रोपटन के हैं, एक सरकारी पानी के लिए है, एक घर के अंदर में कोई
पानी टालने के लिए है, ये हो गया कुआं से पानी टालने के लिए। तो ये वो पब्लिक कुआं है हम लोग का। तो ये मोटर है, मोटर बहुत भारी है जिसका लुक बहुत सुंदर है। अगर आपको लेना है तो फ्लिपकार्ट में जाकर अमेजोन में जाकर ले सकते हैं। अमेजोन में इसका दाम 5,700 रुपये 900 रुपये है और फ्लिपकार्ट में 5,700, मुझे ऑफर पर लगा के 5,000 रुपये में मिल गया, जो बहुत सुंदर है। इसके अंदर में ये केप लगा हुआ, केप खोलेंगे तो इसमें एक स्प्रिंग लगा होगा, ये खुल नहीं रहा मुझसे अभी। और ऊपर में ये हेड वाला खुल गया है, हेड वाला खुला, ये खुला, कोई तो खुला था। और उसके बाद ये देख सकते हैं ये ब्रास का ऊपर में इसका लॉक दिया हुआ है जिसमें एयर डिस्चार्ज कर सकते हैं। और ये वायर प्योर कॉपर का है, मोटा तार है। और ये प्लास्टिक का केप लगा हुआ है, इसके अंदर में पूरा सब कुछ खेला गया है अंदर में। इसके इसमें कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है। तो बस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद। वीडियो को देखने में और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।